दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई में कप्तान रोहित शर्मा 11 भारतीय शेरों के साथ ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने के लिए कदम रख चुके हैं। सिक्का भी उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर रोहित शर्मा के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का दिन में तारे दिखा दिए। तो आखिर खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कितना हो गया भारत का स्कोर, किस बल्लेबाज ने ठोका है शतक, सबसे तेज शतक कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कितने रनों पर, इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और डेविड वार्नर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप का शंखनाद धमाकेदार हुआ है। ऐसे में महामुकाबले खेले जा रहे हैं जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वहां दूसरी तरफ मेजबान भारत की ब्रिगेड या यूं कहें रोहित शर्मा एंड कंपनी ने भी अपने विश्व कप का सफर का आगाज किया है, जहां हमारे सामने चुनौती लेकर खड़ी है 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। यानी कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम को अंगारों पर चलना होगा और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ये पहला मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पिछली बार जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से हराया था। उसकी कड़वी यादें आज भी हमारे जहन में बसी हुई हैं। लेकिन लाइव मुकाबले में जाने से पहले आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पूरी दुनिया में विश्व कप का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में किया जा रहा है। जहां टीवी पर आप इसका लुफ्त स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं, तो वही स्टार के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी मुफ्त में की जा रही है। इससे बड़ी खुशखबरी क्रिकेट के चाहने वालों के लिए और क्या हो सकती है, जहां चेन्नई में कदम रखते ही रोहित शर्मा ने टॉस तो जीत लिया है, लेकिन जो दोनों ही टीम का इतिहास है वो करोड़ों भारतीयों के पसीने जरूर छुड़ा रहा है। जी हां, यदि विश्व कप की बात करें तो दोनों टीमें वनडे विश्व कप में अभी तक 12 बार भिड़ चुकी हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 8 भी बाजी मारी है, जबकि 4 मुकाबलों में टीम इंडिया विजय रही है। तो केवल इतना ही नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 149 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। भारत ने 56 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 86 मैचों में भारत को मात दी है। 10 मैचों का परिणाम नहीं निकल सका है। तो केवल इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 70 वनडे मैच खेल चुकी है, जिनमें से भारत ने 32, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 33 मैच जीते हैं। यानी कि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा तो पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस इस बार अलग ही स्तर पर चल रहा है। हमने हाल ही में एशिया कप जीता है, तो वहीं टॉस जीतकर मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हमें तूफानी शुरुआत भी दिला दी है। और इस मैच में टीम इंडिया हावी क्यों है हम आपको बता दें तो चेपॉक की पिच आमतौर पर स्पिनरों की मददगार मानी जाती है और काफी टर्न देखने को मिलता है भारतीय टीम में। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जंपा, एश्टन एगर और ग्लेन मैक्सवेल हैं। दोनों टीम के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज बल्लेबाज हैं जो कि मिनटों में गेम का पासा पलट सकते हैं। इस हाई वोल्टेज गेम में जो टीम दबाव के क्षणों में निखर कर सामने आएगी वो जरूर विजयी होगी। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि आखिर किन 11 भूखे शेरों के साथ दोनों टीमें मैदान में गदर मचाने उतरी हैं। तो जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए हमें डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श नजर आ रहे हैं, वहीं नंबर 3 के पायदान पर स्टीव स्मिथ के साथ मध्यक्रम में ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस डेबुशेन और एलेक्स कैरी बल्ले से तबाही मचाने के लिए बेकरार हैं। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में उनके पास कैमरन गिन और एश्टन एगर की जोड़ी है, तो वहीं एडम जंपा के साथ पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। यानी कि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान में गदर मचाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नंबर 3 के पायदान पर किंग कोहली मोर्चा संभालने आएंगे, तो वहीं मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव के साथ केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के कंधों पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में अश्विन और जडेजा की फिरकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली है, तो वहीं मोहम्मद सिराज के साथ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव कंगारुओं की धज्जियां उड़ाने को बेकरार हैं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक शतक लगाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।